assalam alaikum students I am your principal course instructor Ms Anika Saizia from University of Education Bank Road Campus Lahore and your major course in painting is thesis and the course code is -E FINE4125 contents of major thesis project and practical thesis should represent a significant body of independent creative work uh, students will be free to choose any topic of painting students will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome to provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of thesis exhibition so uh, with the proper planning and with the help of your supervisor you will choose a uh, specific idea for your thesis and you will pursue that idea uh, in a specific given timeline uh, in a given time span and uh, you will conceptually uh, uh, explain uh, your idea with the help of your uh, paintings which you will develop develop in that uh, all uh, time period. So today we are going to discuss about the uh, lecture number 26 and the today's topic is uh, essential elements of art so it is very important to note that uh, what are the uh, important elements of art Conceptual and symbolic art uh, Concept and symbolism these two are very important elements of any kind of art uh, concept and symbolism Have always been too highly essential factors of art rather two perspectives uh, sometimes they were presented independently while on the other hand as a combination so jo symbols hain unko sometimes hum jo hai uh, kisi uh, specific concept ke sath bhi रिलेट करके बना ले यूज़ uh, करते हैं अपनी पेंटिंग्स में और समटाइम्स हम इंडिविजुअली जो है वो सिंबल्स को यूज कर रहे होते हैं ठीक है उसमें हम जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं उसके साथ रिलेट करते हैं टेकिंग बोथ इनटू कंसिडरेशन द डिफ्रेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड सिंबोलिज्म, इज मेरली द यूज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच माइट नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अ विजुअल बट दे आर एडिड टू एन इमेज टू गिव मोर डेफिनेशन टू द मीनिंग ऑफ अ विजुअल हैंस टू परस्पेक्टिव्स एंड अप को वन वे और द अदर सो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर ही जाती हैं सिम्बलिज्म एंड कॉन्सेपचुअल कॉन्सेपच्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्ट कर ही रही होती हैं एज यू कैन सी इन दिस पेंटिंग हमें डिफरेंट सिम्बल्स भी नज़र आ रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर थीम है Uh, Painting, so uh, this is the artist A.S. Rind. He is one of those artists whose work not only relies on a certain concept but he adds symbols to his work so that people can evaluate his work the way they see it. So uh, यहाँ पे जो आर्टिस्ट ने आ, सिंबल्स यूज़ किए हैं उनका कॉन्सेप्टली कॉन्सेप्चुअली तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है विजुअल के साथ बट जो हैं वो इसका एक पार्ट बन रहे हैं वो इसका एक एलिमेंट बन रहे हैं विजुअल का जैसे कि यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं तो वी कैन सी दैट एट दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ देयर ज्वेलरी दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ देर ड्रेपरीज एज वेल एंड दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड सो जो अल्फ़ाबैट्स हैं या जो टेक्सट है उसको आर्टिस्ट ने uh, अपने विजुअल्स के साथ मर्ज कर दिया है चाहे वो फिगर्स हैं चाहे उनकी ड्रेसिज हैं उनकी ज्वेलरी है द डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स लीवस एंड फ्लावर्स अलॉन्ग विद फीमेल फॉर्म्स आर पॉसिबली सिम्बलाइजिंग फर्टिलिटी एंड ग्रोथ एज ऑल ऑफ़ दिज मोटिव आर लिविंग फॉर्म्स सो टैक्स को तो टेक्सट जो है उर्दू टैक्स उसको तो स्पेसिफिकली आर्टिस्ट ने एज अ सिम्बोलिक वे में नहीं यूज़ किया बट कंसेपचुअली नहीं यूज़ किया हुआ बट जो हमें फ़ीमेल फॉर्म्स नज़र आ रही हैं उनके साथ जो हमें एक लीवस नज़र आते हैं या फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं या डिफरेंट बर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो जो सारे ये एलिमेंट्स uh, है, uh, हैं ये कॉन्सेप्चुअली ऐड किए गए हैं क्योंकि लिविंग बींग्स हैं और ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट्स वाई ही हैज़ एडिड दिज मोटिवस इन हिज पेंटिंग्स स्पेशली अलॉन्ग साइड विद फिगर्स एलियाने मेजिल शी पेंट्स ऑन फेदर्स बिकॉज शी लाइक हाउ द शेप साइज एंड स्पेसिफिक demands of feathers challenge her to creatively focusing her attention on detailed uh, mindful miniature work so uh, artist ne jo hai intentionally uh, uh, jo hai feather ko as surface uh, jo hai wo choose kiya hai ताकि जो, जो uh, एक uh, एक प्रसिशन और जो इंट्रिकेसी हमें नज़र आती है मान्यू details हमें नज़र आती हैं uh, miniature images में miniature detail में uh, तो उसके साथ आर्टिस्ट uh, ने अपनी सरफेस को भी बहुत जो है वो डेलिकेट और फ्रजाइल और इंट्रिकेट रखा है लाइक वाटर कलर देयर इज लिटिल रूम फॉर एरर वंस हर ब्रश टचेज द फेदर इट कैन नॉट बी एरेज सो आर्टिस्ट ने एक बड़ा चैलेंजिंग जो है वो सर्फेस चूज किया है बिकॉज वंस शी पुट्स एनी स्ट्रोक और एनी मार्क विद द हेल्प ऑफ पेंट ऑन फेदर then there is no chance that it can be erased or removed uh, from the surface. तो आपके पास uh, कोई उसमें margin नहीं है कि आप अपनी mistakes को या आप अपनी flaws को जो है वो correction कर सको। so artist ने इस यहाँ पे risk लिया। है. sometimes uh, to produce something creative and uh, interesting and unique आपको जो है experimentation करनी पड़ती है। you have to take such kind of risks.

जो है वो ग्लासेस के अंदर नहीं डाला ग्लासेस के पीछे रखा है एट द बैक साइड ऑफ द ग्लासेस ताकि इनकी जो इंट्री के डिटेल्स हैं वो थोड़ा सा ज़ूम इन हो के हमें नज़र आए और समटाइम्स जो वाइट फैदर्स हैं उनको डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट भी रखा है यू विल रेगुलरली फाइंड पैरट पीकॉक ग्वायना फाउल एंड टर्की फैदर्स इन माई वर्क मोस्ट ऑफ द फैदर्स कम फ्राम लोकल पेट ऑनर्स एंड फैमिली फार्म दैट रेज फ्री रेंज फाउल स्पेसिफिकली फॉर फैदर्स डेट द बर्ड्स हैव नेचुर ड्रॉप्ड सो आर्टिस्ट ने जितना भी सर्फेस के लिए फैदर्स कलेक्ट किए हैं डिफरेंट बर्ड्स के वो डिफरेंट uh, पैट्स के हैं और वो नेचुरली जो एक उनके ड्रॉप होते हैं ये वो वाले फेदर्स हैं कोई इंटेंशनली जो है वो फैदर्स नहीं निकाले गए हैं बर्ड्स uh, के और उसके ऊपर जो हमें एक है मिनीचर uh, स्टडीज जो है वो नज़र आती हैं आर्टिस्ट की एज यू कैन ऑल्सो सी देर इज़ अनदर मिनीचर स्टडी डन ऑन द फेदर एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग जो उसका नेचुरल टेक्स्चर आ रहा है फेदर का सरफेस uh, के ऊपर एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड जो हमें ब्राउन में एक स्ट्रोकी इफेक्ट नज़र आ रहा है वो uh, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इमेज के साथ जो ब्राउन uh, के अगेंस्ट हमें एक नज़र आ रहा है कॉक बनावा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप किसी नेचुरल मोटिव को जो है अपने विजुअल का पार्ट बना लें इट्स रियली इंटरेस्टिंग इसी तरह से ये भी कुछ पेंटिंग्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल uh, हैं और सिम्बॉलिक हैं एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे भी बर्ड का यूज़ किया गया है एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी एन इमेजिन्री फेस मेकिंग काइंड ऑफ हालो एनगेजिंग टू वर्ड्स अर्थ और एक इमेजिन्री क्वालिटी हमें नज़र आ रही है एट द राइट साइड जो इमेज हमें नज़र आ रहा है Uh, इसमें एक इमेजनरी uh, और एक नॉन uh, रियलिस्टिक uh, जो हमें है ना एक इफ़ेक्ट uh, नज़र आ रहा है बिकॉज नीचे जो हमें सीस्केप नज़र आ रहा है वो तो टू सम हाउ इट इज़ क्लोज टू द रियलिटी बट जो हमें ऊपर एक एक्जैचरेटेड फेस नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एक uh, आपको नॉन uh, जो है रियलिस्टिक फार फ्रॉम द रियलिटी एक आपको इफेक्ट जनरेट करता है दिस इज अनदर पेंटिंग एज यू कैन सी अ क्रिएचर विद वन आई एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द आर्टिस्ट और एक इमेजनरी एक क्वालिटी uh, हमें नज़र आती है एक नॉन रियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो हमें यहाँ रिप्रजेंट होता हुआ नजर आ रहा है सिम्बॉलिक पेंटिंग बाई फ्रीदा खान दिस इज़ अनदर सिम्बॉलिक पेंटिंग बाई अ वेरी फेमस आर्टिस्ट फ्रीदा खालो और इस पेंटिंग के अंदर भी हमें डिफरेंट सिम्बल्स और डिफरेंट हिडन मीनिंग्स नज़र आते हैं और एक इनडायरेक्ट रिप्रजेंटेशन नज़र आती है कॉन्सेप्ट की बिकॉज देर आर लॉड ऑफ सिम्बल्स जो कि रिलेट कर रहे हैं आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ के साथ भी और कुछ हमें सोशल uh, जो हैं वो ईशूज़ भी नज़र आ रहे हैं uh, जैसे एक इंडस्ट्री और एक रेवोल्यूशनर uh, जो आया है ऑफ़ दैट टाइम जब फरीदा खालू ने इसको पेंट किया है तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जब इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही थी और न्यू मशीनरी जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी एट दैट टाइम तो उस चीज़ को भी आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स में कैप्चर किया है जिसने उस पेंटिंग में उस टाइम को uh, जो है वो सेव uh, कर लिया है कैप्चर कर लिया है सो दैट्स इट थैंक यू